हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमन तेवतिया। इट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे वो मैंने फर्स्ट वीडियो में करा दिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में डिटेल में आपको समझा दिया था, यानी कि इसके हिंदी में पहचान कैसे होगी, इंग्लिश में आप उसके लिए क्या यूज करेंगे। दूसरे मेनली जो मैंने आपको उसमें समझाया था, वो समझाया था आपको डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम। तो आई होप आपने वो याद कर लिए होंगे कि कौन से टाइम इनडेफिनेट है और कौन सा टाइम डेफिनेट है। क्लियर? एक बार बस थोड़ा सा रिपीट करा देती हूँ कि अगर आपका टाइम डेफिनेट टाइम है तो सिंस यूज करेंगे, और अगर इनडेफिनेट टाइम गिवन है उसमें तो फॉर यूज करेंगे। बस थोड़ा ये ध्यान रखेंगे। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपने कर लिए तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। रीजन कि अंतर ही नहीं है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, सारे रूल्स वही हैं। सिर्फ अगर अंतर है तो नोट ये वाला है, यानी कि अगर आप इस फॉर्मूले को, इस रूल को अगर आप उससे मिलाएंगे अफर्मेटिव से, तो सिर्फ अंतर आएगा आपको नोट का, वरना तो पहले जैसा ही है सेम। क्लियर? बस ये ध्यान रखना है कि हैज और हैव के तुरंत बाद आपको नोट लगाना है, या यूं कह लीजिए कि जो आपका हैज बीन और हैव बीन आया था उसके बीच में नोट लगाना है, यानी कि हैज और हैव के बीच में नोट लगाने के हैज नोट बीन और हैव नोट बीन, बस ऐसे करना है और कुछ भी नहीं। क्लियर? तो एग्जांपल ले लीजिए इसके। मान लीजिए आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं कि मान लीजिए वह, या ले लीजिए धोबी 2 बजे से कपड़े नहीं धो रहा है, कुछ भी ले लीजिए आप। धोबी 4 बजे से कर लो, कोई बात नहीं। धोबी 4 बजे से कपड़े नहीं धो रहा है। अब देख लीजिए, धोबी 4 बजे से कपड़े नहीं धो रहा है। अब क्या करेंगे? सब्जेक्ट आपका वॉशरमैन, सब्जेक्ट ले लिया आपने वॉशरमैन, वॉशमैन धोना और वॉशरमैन यानी कि धोबी। अब वॉशरमैन आपका सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? हैज। वॉशरमैन हैज नॉट, इसमें नॉट है, हैज नॉट बीन। कपड़े धोना वॉशिंग, इन्फॉर्म भी आ गई इसमें, वॉशिंग वॉशिंग द क्लॉथ्स कब से? क्लोज। टाइम क्या गिवन है इसमें? 4 बजे से। तो क्या हुआ? वॉशरमैन हैज नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स 4 बजे, यानी कि डेफिनेट टाइम हो गया। सिंस, सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock तो आपने इसको ट्रांसलेट किया, वॉशरमैन हैज नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस 4 o'clock। क्लियर? और एग्जांपल ले लीजिए, वह कल से अपना होमवर्क नहीं कर रही है, वह कल से अपना गृह कार्य नहीं कर रही है, या वे कर लीजिए, प्लूरल ले लीजिए, वे कल से अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, वे कल से अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं। अब देख लीजिए, वे कल से अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट आपने क्या लिया? दे। अब दे कैसा आपका सिंगुलर है, प्लूरल, प्लूरल हो गया तो क्या लगाएंगे? हैव। दे हैव नॉट आ गया आपका, नॉट been, they have not been
doing their homework. They have not been doing their homework. कब से? कल से. अब कल जो मैंने आपको बताया था yesterday, वो किस में था? आपके डेफिनेट टाइम में था. ध्यान दो थोड़ा, देखना आप कि yesterday आपका डेफिनेट टाइम में, तो क्या हो गया? सिंस yesterday. तो क्या हुआ आपका? दे हैव नॉट बीन डूइंग देयर होमवर्क सिंस yesterday. क्लियर? एक एग्जांपल और ले लीजिए इसको क्लियर करने के लिए. बच्चा 10 मिनट से नहीं रो रहा है, ये ले लीजिए. बच्चा 10 मिनट से नहीं रो रहा है. बच्चा 10 मिनट से नहीं रो रहा है, तो क्या होगा आपका? सब्जेक्ट आपका चाइल्ड. द चाइल्ड अब आपका चाइल्ड क्या सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर, तो क्या यूज करेंगे? हैज. द चाइल्ड हैज नॉट बीन क्राइंग. रोने का वीपिंग नॉर्मली क्राइंग यूज करते हैं. द चाइल्ड हैज नॉट बीन क्राइंग कब से? 10 मिनट से. अब मैंने आपको बताया था 10 मिनट्स हो, 5 मिनट्स हो, अगर मिनट्स आता है तो वो आपका इंडेफिनेट टाइम में होता है, उससे जस्ट पहले 4 लगाते हैं. तो द चाइल्ड हैज नॉट बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स. क्लियर? बच्चा 10 मिनट से नहीं रो रहा है, तो आपने क्या सेंटेंस बनाया? द चाइल्ड हैज नॉट बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स. क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे पूरे. इसी के बेस पे आपको सेंटेंस बनाने हैं जब आप होमवर्क करें या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं रफ कॉपी में, जैसे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे मिला लीजिए एक बार, आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी. थैंक यू वेरी मच. और आपके जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे.